इस बीच खबर पश्चिम बंगाल से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर कल सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है, जहां पूछताछ लगातार जारी है। और महत्वपूर्ण यह कि करीबी अर्पिता के घर से मिले हैं 20 करोड़ रुपए कैश। देखिए, बीजेपी बोली ये तो ट्रेलर है। बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के घर कल से छापेमारी, कल सुबह 8 बजे ईडी की टीम पहुंची थी और देर रात कल शाम को फिर एक ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई अब तक जारी है। कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और 20 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी के जो करीबी हैं अर्पिता, उनके आवास से बरामद हुए हैं। इसमें सोना भी मिला है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिला है, कागजात भी मिले हैं। और कैश की बात करें तो 2,000 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट, जिसकी वैल्यू 20 करोड़ रुपए है। ये तमाम तस्वीरों को आप देख रहे हैं। और इसके बाद से जैसे कि ईडी की छापेमारी हुई और 20 करोड़ रुपए जो बरामदगी हुए, उसके बाद से सियासी तापमान पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी कुछ बढ़ गया, वो आसमान पर देखा जा रहा है। और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और पश्चिम बंगाल की सरकार इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। हालांकि उधर से अभी तक कोई इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पल्ला झाड़ लिया है अभी टीएमसी ने अर्पिता, जिनसे 20 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। तो सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब तक ईडी की कार्रवाई, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम वहां पर मौजूद पश्चिम बंगाल में, और साथ ही बाहर निगरानी के लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। किसी को भी अंदर आने की उस टावर में, बिल्डिंग में इजाजत नहीं। कल से यह कार्रवाई, छापेमारी लगातार जारी और पार्था चटर्जी की करीबी के घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जिसको जब्त कर लिया गया है और बैंक अधिकारियों की मदद ली गई है इस नोटों को गिनने के लिए।